गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई सिरगढ़। टुडे वी विल डिस्कस क्रास प्लस टू चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2। इन 3.2 वी विल डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट पार्ट है इसका ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए, इनकी प्रोडक्ट करनी है फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो को आगे सेकंड मैट्रिक्स की जितनी भी कॉलम है, चाहे वो एक है, दो है, तीन है या चार है, उन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कितनी है, दो कॉलम है, तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, ए इंटू ए, यहाँ ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा ए इंटू ए, फिर बी की बी के साथ बी इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ये क्या हो गया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी, ए फिर बी इंटू ए, बी इंटू ए। नाउ फर्स्ट, अब है फर्स्ट रो सॉल्व होगी, अब क्या करेंगे सेकंड रो पर आ जाएंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, इसी तरह से एलिमेंट आते जाएंगे हमारे पास। माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए, ए इंटू बी, ये पूरा सॉल्व यहाँ पर, फिर इनको आगे ए इंटू ए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे पहले ए इंटू ए, ए स्क्वेयर, बी इंटू बी, बी स्क्वेयर, या आगे ए इंटू माइनस बी और प्लस बी इंटू ए, यानी कि क्या यहाँ पर ए इंटू माइनस बी कितना हो गया, ए इंटू बी के आगे ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि माइनस ए बी प्लस बी ए, मल्टीप्लाई में है बी ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए बी या बी ए, ये क्या है यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यह क्या आ गया जीरो। नाउ थर्ड एलिमेंट माइनस बी ए प्लस ए बी, वो सेम है यही तो है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा जीरो। सेकंड माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस, और बी इंटू बी, बी स्क्वेयर प्लस ए इंटू ए, ए स्क्वेयर, ये यहाँ हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये एक है मैट्रिक्स आ गई इनकी मल्टीप्लाई करने पर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, एक दो तीन मल्टीप्लाई किससे करनी है, टू थ्री फोर मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ, वन इंटू टू, वन इंटू टू फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नाउ फर्स्ट रो के आगे जितनी भी कॉलम है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, नाउ सेकंड कॉलम के साथ वन इंटू थ्री, नाउ थर्ड कॉलम के साथ वन इंटू फोर, इसी तरह से करते जाएंगे। फर्स्ट रो सॉल्व होगी, सेकंड रो टू इंटू फर्स्ट कॉलम के साथ टू इंटू टू, फिर टू इंटू थ्री,
फिर 2 × 4। इसी तरह से थर्ड रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, ये पार्ट 16 हो जाएगा इसको। ये इसी तरह से सेकंड पार्ट है, 1 × 2 2, 1 × 3 3 4, इनको सॉल्व करने पर ये क्या आ गई, मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट इसका, 1 − 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम। इसी तरह से आगे ये 16 हो जाएगा। ये इसको पूरा सॉल्यूशन है, 1 × 1, फिर 1 − 2 × 2, ये इसको पूरा सॉल्यूशन को देख लेना और इनको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, इसको भी इसी तरह से है, पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगी फर्स्ट रो आ जाएगी। फर्स्ट रो से फर्स्ट ही रो आएगी, ये ध्यान में रखना है। अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई में जो एलिमेंट्स आते हैं वो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आते हैं, सेकंड रो में जिनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो के एलिमेंट आते हैं, और थर्ड रो के मल्टीप्लाई करने पर थर्ड रो के एलिमेंट आते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये 16 हो जाएगा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी सेम है, सिक्स्थ पार्ट भी सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी में पहले ए मैट्रिक्स लिख दी, ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ दे रखी है ए मैट्रिक्स, फिर प्लस, फिर बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स भी दे रखी है, इनको सिंपल प्लस करना है। प्लस आपने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है, यानी कि प्लस कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे रहा है कौन सा, ये एलिमेंट है ए वन वन, इसको किसके साथ ऐड करेंगे, इसे ए वन वन के साथ, सॉरी बी वन वन के साथ, क्योंकि ये मैट्रिक्स बी है। अब यहाँ ए, ये कौन सा है, ए 1 2, बी 1 2 के साथ, इसी तरह ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 4, 2 + -1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 4 1 + 3 4। ये ऐड हो गया, ए प्लस बी हो गया, फिर बी माइनस सी, बी मैट्रिक्स लिख दी बीच में माइनस और सी, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, बी माइनस सी करना है सिंपल। बी 3 - बीच में माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो सभी में माइनस लगेगा, माइनस करने पर 3 − 4 − 1, -1 − 1 -2, -2 − 2 सॉरी माइन सॉरी सॉरी 2 − 2 0, 4 − 0 4, 2 − 3 − 1। इसी तरह से ये सॉल्व कर लेना। आगे क्या करना है हमें, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए मैट्रिक्स है बीच में प्लस, और बी माइनस सी, बी माइनस सी हम निकाल चुके हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स है बी माइनस सी की, ये लिख दिया यहाँ बी माइनस सी, ये बी माइनस सी है, और इनको सिंपल ऐड करना है, यानी कि 1 - 1
यहाँ सिंपल इनको ऐड करना, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। राइट हैंड साइड ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं, मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स है, माइनस सी सी सिंपली दे रखा है, और सिंपल माइनस करना है, माइनस करके जो मैट्रिक्स आएगी वो देखनी है इनके इक्वल में है या नहीं, ये इक्वल में आएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स दे दी यहाँ पर, एंड बी इज इक्वल टू बी भी मैट्रिक्स दे दी, देन कंप्यूट 3A माइनस 5B। पहले 3A निकालेंगे सिंपल, या एक साथ भी निकाल सकते हो आप, 3A माइनस 5B यानी कि 3 मल्टीप्लाई में A की मैट्रिक्स है ये, 3 इंटू A मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू B मैट्रिक्स है, यानी कि पहले A मैट्रिक्स है, इन सभी को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस B को मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है और मैट्रिक्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंप्लीफाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें। कोस थीटा की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि आगे एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इनका कोस थीटा की मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स के साथ। पहले कोस थीटा की मल्टीप्लाई इस कोस थीटा के साथ यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा, फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट के साथ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से, फिर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ कोस स्क्वेयर थीटा, इसी तरह से इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई पहले साइन थीटा के साथ साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस कोस थीटा के साथ माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ साइन स्क्वेयर थीटा। आगे क्या करना है, आगे बीच में प्लस है तो प्लस करना है, यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट साइन स्क्वेयर थीटा, तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है, सिंपल 1 होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर 1। नेक्स्ट साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि ये क्या है, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल होकर 0। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, सिंपल कैंसिल, दोनों कैंसिल आउट और 0। फिर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1, ये मैट्रिक्स आ गई। यहाँ क्या लिखा है, इसने आई लिखा है, आई है क्योंकि हम पहले ही ये प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, ये क्या होती है, आई। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई दे दिया, x माइनस वाई दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर, यहाँ इस साइड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, इनको ऐड कर दिया, यानी कि x प्लस वाई सिंपल ऐड कर दिया दूसरी के साथ, यानी कि x माइनस वाई दूसरी है, या प्लस वाई माइनस वाई कट गया, और x प्लस एक्स 2x, या x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू x प्लस वाई कितना है, ये मैट्रिक्स, x माइनस वाई कितनी है, ये मैट्रिक्स, इनको ऐड कर देंगे सिंपल, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ये मैट्रिक्स आ गई, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल में है, 2x के इक्वल में है। अगर वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 या
मल्टीप्लाई में है और इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, टू डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1/2। और इसको मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करनी है 1/2 के साथ। पहले 10 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 5, 0, 2 का 2 × 1/2 1, 8 × 1/2 4। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई 5 0 1 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये, या एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है। ये मैट्रिक्स इस साइड क्या है, प्लस में है, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में, या माइनस, यानी कि 7 − 5 2, 0 − 0 0, 2 − 1 1, 5 − 4 1, ये मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स आ गई। नाउ इसी तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेना है। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x + 3y और 3x + 2y है, इनको सिंपल सॉल्व कर लेना, ये यहाँ से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x + y इज इक्वल टू 1 0 − 3 2। ये उसी तरह से सम आ गया जो पहले हमने किया है, यानी कि क्या दे रखा है, 2x + y दे रखी है, 2x + y, 2x + y दे रखी है एक मैट्रिक्स। और y की वैल्यू इसने दे दी, यानी कि अगर यहाँ y की वैल्यू हमें पता है, ये मैट्रिक्स है एक, तो क्या करेंगे हम, सिंपल y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ y प्लस में है तो इस साइड जाकर माइनस में, यानी कि पहले मैट्रिक्स है फिर माइनस में, यहाँ y की वैल्यू जो y मैट्रिक्स है, एक इज इक्वल टू में क्या है, 2x। इनको सॉल्व किया, एक एक मैट्रिक्स आ गई, और जो मैट्रिक्स आई उनको किससे डिवाइड करेंगे, इनकी यहाँ 2x, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/2। जो मैट्रिक्स आएगी उसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। ये यहाँ देखो 2x + y दे रखा है, 2x + y की वैल्यू ये यहाँ से उठा लेनी है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है, y है वो प्लस में, इस साइड जाकर माइनस में, और यहाँ माइनस किया, 1 − 3 − 2, 0 − 2 − 2, −3 − 1 − 4, 2 − 4 − 2, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर डिवाइड में, यानी कि −2 का क्या हो गया, −1, −2 का −1, −4 का −2, −2 का −1, इसी तरह से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2, मैट्रिक्स दे रखी है एक, प्लस एक अलग मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू फिर से एक मैट्रिक्स है, यानी कि पहले हम क्या करें, इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस मैट्रिक्स के साथ, 2 × 1 2, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने पर 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x, प्लस ये मैट्रिक्स है, y 0 1, इज इक्वल टू 5 6 1 8। सिंपल इनको पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + y, 2 + y, फिर 6 + 0 6,
जीरो प्लस वन वन, टू एक्स प्लस टू। इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स पहले ही पता है हमें। आगे हम यहाँ ये रफ कर रहा हूँ यहाँ से। सॉरी, यहाँ इज इक्वल टू में ये एक मैट्रिक्स थी। इज इक्वल टू में क्या है, 5 6 1 8। ये चारों एलिमेंट आगे, फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल में हो, क्योंकि यहाँ इक्वल में है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ 2 प्लस में है, इस साइड जाकर माइनस में, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। इसी तरह से एक्स को सॉल्व कर लेना है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी कि फोर्थ एलिमेंट है, किसके इक्वल में होगा, फोर्थ एलिमेंट के, 2x प्लस 8, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये रफ कर देते हैं। टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि फोर्थ एलिमेंट है, वहाँ फोर्थ के इक्वल में प्लस टू है, इस साइड जाकर माइनस टू, 8 माइनस 2 6, 2x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर डिवाइड में, यानी कि 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और वाई की वैल्यू भी 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन एक्स वाई जेड एंड टी। ये मैट्रिक्स दे रखे, सिंपल वही है, पहले 2 की मल्टीप्लाई करना है इन चारों के साथ, यानी कि 2x 2z 2y 2t, प्लस 3 की मल्टीप्लाई इनके साथ, 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू, फिर 3 की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18, फिर इनके इक्वल में, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना है, सिंपल। सिंपल इनको ऐड किया, इन दोनों को ऐड, यहाँ से इनको ऐड कर लिया, ये पहला ऐड कर लिया, इज इक्वल टू में ये है, अगर दोनों इक्वल में है तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x इज इक्वल टू प्लस 3, इस साइड जाकर माइनस, 9 माइनस 3 6, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर डिवाइड में, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से आगे y की वैल्यू, 2y प्लस 0, यानी कि ये कौन से एलिमेंट के इक्वल में होगा, इसके, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, क्योंकि 0 है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 6, या y की वैल्यू आ गई, या z की वैल्यू, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2z इज इक्वल टू -3, इस साइड जाकर +3, यानी कि 15 प्लस 3 18, सॉरी 2z है यहाँ, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर डिवाइड में, 9। आगे t, 2 इंटू t +6 इज इक्वल टू 18, 2 इंटू t इज इक्वल टू +6, इस साइड जाकर -6, 18 माइनस 6 12, t इज इक्वल टू 6, यहाँ से तीन चारों वैल्यू आ जाएगी। आज या 10th सम तक करना है।